से नाराज हुई है। आपके साथ हूँ मैं राकेश कुमार। दर्शकों के विशेष मांग पर इसके पूर्व श्री नारद मीडिया के द्वारा पितृपक्ष में अपने पितरों को कैसे करें खुश एक वीडियो जारी किया गया था, लेकिन हमारे नारद मीडिया के दर्शकों का मांग है कि ये पितृपक्ष में जो तर्पण करना है इसका प्रैक्टिकल कैसे करें। ये पितृपक्ष में उतने आचार आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, हम कैसे करें। इसके लिए हम अपने वैदिक गुरु, चैनल के गुरु और शहर के प्रकांड विद्वान रंगनाथ उपाध्याय जी से आग्रह किया हूं कि आए और विशेष करके हमारे वैसे दर्शक जो मांग किए हैं कि हमें प्रैक्टिकल बताया जाए उनको बताएं, और ऐसे बताएं कि कोई अगर तर्पण करना है तो कान में मोबाइल का लीड लगा करके और आप मंत्र पढ़ते जाएं, उस अनुसार से वो तर्पण करते जाएं। आपका स्वागत है आचार्य जी। हाँ, पहले तो मैं नारद मीडिया को इस तरह के प्रयास के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सिवान के लोगों के चिंताओं को समझते हुए और उनकी भावनाओं को समझते हुए, आज उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नारद मीडिया ने मुझसे आग्रह करके ऐसा कहा कि पंडित जी ऐसी व्यवस्था करें कि लोग आसानी से अपने पितरों को तृप्त कर सकें और अधिक से अधिक पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने घर में सुखी जीवन व्यतीत करें, संपन्नता लाएं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं इसके लिए नारद मीडिया का भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज तिवारी जी के साथ इस कार्यक्रम में आया और आकर के मेरी भी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं इस पितृपक्ष के मौके पर आपके साथ होकर और इस विधा से, स्थिर भाव से मैं इस बात को रखूं कि आप मेरे साथ बैठ करके तर्पण कर लें और पितरों को तृप्त कर लें। आप आग्रह करते कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूरी है कि सब दर्शक संस्कृत के विद्वान हैं, तो हम चाहेंगे कि आसान बोलचाल जो हम सामान्य जन जीवन में जो बातें करते हैं, खासकर अधिक से अधिक हिंदी हमारे मातृभाषा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम मंत्र में या ऐसे क्लिष्ट कुछ कुछ विच्छेद करके बोले जो आसानी से समझ सके और कर भी सके। कुछ बातें ऐसी है कि उसको उसकी उसका हिंदी रूपांतरण नहीं हो सकता। जैसे मुझे कुछ कहना है तर्पण के लिए, किसी नाम को कहना है तो नाम का कौन सा अर्थ होगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ मैं बोल रहा हूं और वो सामग्री आप जितने भी दर्शक हैं वह जुटा लें। कौन कौन से सामग्री चाहिए एक बार बता दें। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, आप अगर देख रहे हैं तो इसे कलम और कॉपी लेकर के इस सामग्री को लिख लें और इसकी व्यवस्था पहले से रखें। पहले तो तिल, चावल, तिल 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, जौ 50 ग्राम, कुसा 3, तीन कुसा 3 पत्ते वाला, ये आप ले लें। और कुसा के अलावे गंगाजल, सफेद पुष्प, पितरों को तिल के पुष्प से बड़ी प्रसन्नता होती है, अगर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो तर्पण में तिल पुष्प का अवश्य प्रयोग करें। इसके अलावे आप पात्र, आसन, अपने बैठने के लिए एक आसन व्यवस्थित कर लें, जल संग्रहण के लिए जग हो, छोटी बाल्टी हो, उसमें जल ले लें। उसके बाद तर्पण के लिए एक गहरा पात्र ले लें। इसके अलावा
एक जलपात्र, लोटकी हो, गिलास हो, जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हो आपकी व्यवस्था के अनुसार उसको ले ले और उसको ले करके आप अपना आसन बिछा ले, उर्वाभिमुख बैठ जाए। फिर हम आपका, आप दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं और आपसे मैं जैसे बोलता हूं वैसा करते जाए और आपके पितर तृप्त होंगे और मैं स्थिर भाव में बोलूंगा और जो मैं बोलता जाऊं वो आप करते जाएंगे, आपका तर्पण पूरा हो जाएगा। चार जी हम बीच में आपको रोक रहे हैं। हमारी एक मानता है गांवों में चाहे शहरों में देखते हैं लोग भींगे कपड़े ही तर्पण करते हैं, क्या ऐसी मानता है कि भींगे कपड़े से ही भींगा कपड़ा नहाए और भींगे कपड़े से तर्पण? ऐसा नहीं है, ऐसे गांव देहातों में सब लोग ऐसा है कि वहां आप अभी वही विषय वस्तु उठाए थे, वह विषय वस्तु ऐसी है कि सबको पंडित लभ नहीं हो रहे हैं, तो गांव में लोग तालाबों में चले जाया करते हैं और स्नान करके और वहीं अर्घ की परंपरा और प्रक्रिया मालूम नहीं, जैसे होता है दोनों हाथों से जल उछाल करके और जल दे देते हैं अपने पितरों को, जो भाषा उनको मालूम है उससे वो जल दे देते हैं। लेकिन जो परंपरागत बात है, जो साथ सम्मत है, उस विधि को मैं बताता हूँ और आपके दर्शक वैसा करेंगे अनुसरण तो वह तर्पणों को पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग पहले अपना पात्र दिखा दें, कौन कौन पात्र की जरूरत है। तो आप पहले तो आप एक जग में या बाल्टी में, एक जग या बाल्टी में जल को ले लेंगे जी, एक जग में पूरा अप्लाई करके पूरा पूरा जल भर लेंगे, शुद्ध जल भर लेंगे जी। उसके बाद आप एक ऐसा गहरा बर्तन लेंगे जिसमें हाथ डुबाया जा सके जी, एक जलपात्र लेंगे जिससे आचमन वगैरह आदमी करेगा, ग्लास 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 हो, लुटिया हो, जो हो आप ले लेंगे, इसको लेकर के आप बैठ जाएंगे अपने आसन पर जी, और इसमें एक गिलास आप जल लेंगे, एक जलपात्र में जल ले लेंगे। जल लेने के बाद आप आचमनी के द्वारा आप जल लेकर और सर्वप्रथम इसमें गंगादि तीर्थों का आवाहन करेंगे जी। तो एक बात ये जान लें कि जल लेंगे, इसके बाद इसमें गंगाजल डालेंगे तो गंगा का आवाहन भी हो जाए मंत्र के द्वारा। तो इसमें गंगाजल डालेंगे, कभी भी गंगाजल में जल नहीं डालना है जी, यह ध्यान रहना चाहिए। जल में गंगाजल पड़ेगा तो पहले आप जल डालें फिर गंगाजल डालें, इस पात्र में भी डालें और इस पात्र में भी डालें। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो उपलब्ध हो और न हो तो तीर्थों का आवाहन इसमें करेंगे जल में, तो वहीं से वो परंपरा शुरू होगी, डालेंगे तो भी और नहीं डालेंगे तो भी, दोनों परिस्थिति में आवाहन करना है। तो अब आप सावधान होकर के और इस विधि को समझिए, तो आपकी सामग्री जुट गई होगी, आपने जो जो मैं बताया वो सामग्रियां आपके पास हैं, तो आप उसका ध्यान रखें और आप पहले इस जल में एक पुष्प डाल करके, श्वेत पुष्प पितरों को प्रिय है, एक पुष्प डाल करके और इसे ढककर आवाहन करेंगे। तो आप पहले इस जल पात्र को ढके, ढकने के बाद मैं बोल रहा हूं आप इसे ध्यान से सुने, दोहराना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है मेरी बातों पर। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अब आपका गंगादि तीर्थों का इसमें आवाहन हुआ, अब आप इसमें से आचमनी के द्वारा बाएं हाथ से जल निकाल करके दाहिने हाथ में लेंगे और इसको ऊपर से हाथ जूठा न हो, ऊपर से मुख में अपने डालेंगे, ओम केशवाय नमः,
फिर दोबारा ओम माधवाय नमः, दोबारा ओम नारायणाय नमः, आचमन कर लिए। अब पुनः आचमनी के द्वारा आप जल ले लें, दाहिने हाथ पर डालें, दो आचमनी जल डालें और हाथ को धो लें, फिर दोबारा धो लें, पुनः हाथ का प्रक्षालन कर लें और शुद्धि करके करने के बाद आप शरीर पर जल छींटेंगे। अपने शरीर पर जल छींटिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सौ बाह्या भयंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, पुनात् पुंडरीकाक्षः। अब आप पवित्र हो लिए, आपका शरीर शुद्ध हो गया। अब मलयागिरी चंदन आपके पास पाउडर हो या घिसा हुआ रखा हो तो उसको देवता पर थोड़ा प्रक्षेप कर दें, अनामिका उंगली से उठा करके छीट दें, या फिर वहां देवमूर्ति नहीं है तो पृथ्वी पर प्रक्षेप कर दें और प्रक्षेप करने के बाद इसका तिलक कर लें। आप स्वरूप में आ गए, अब पूजन के स्वरूप में आ गए। अब आप क्या करेंगे, आकी कुसा की एक पवित्री बनाएंगे ऐसे, और इस कुस पवित्री को आप अपने हाथों में धारण करेंगे। क्योंकि कुसा का और तिल का ये बड़ा ही महत्व है, पितृपक्ष में बिना तिलैश्च गर्भैश्च पितृणाम नोपतिष्ठति, बिना तिल के और कुसा के पितृगण वहां नहीं आते हैं। इसलिए इस पर ध्यान रखना है कि कुसा का पवित्री धारण करके तत्पश्चात एक मोटक बनाएंगे, ऐसा एक लेंगे। ये जड़ है, ये उसका ऊपरी भाग है, सीधा है, इसका ऊपरी भाग ज्यादा अच्छा तो होगा। देखिए बड़ा कुश होता है उसको बरही कहते हैं, आज जो हस्त इस प्रमाण में होता है एक बीते का आप समझिए ऐसे, ये छोटा कुसा जो होता है वो कुसा होता है। वैसा मिले तो तीन पत्ते का तो बहुत अच्छा है, और उसके अग्रभाग को ऐसे बांधेंगे, आप बांध ले, फिर एक ऐसा छोटा चार अंगुल का आप बना करके इसको बांध ले, कुसा को बांध लेंगे। फिर आप आपके साथ ऐसा कहा जाएगा कि ये दो कुसा है, एक का सिरा ऐसे आप बांध ले, देखेंगे ध्यान से, ये बधा हुआ कुसा मान लीजिए, ये मोटक हो गया, ये पवित्री हो गया, और ये सीधा कुसा है, इसको पात्र में उत्तर दक्षिण क्रम में रख देंगे और इस कुश पर इसको स्थापित कर देंगे। मोड़े हुए किसे को स्थापित कर दिया आपने, अब आप संकल्प लेंगे। कैमरामैन से कहा इसको एक बार दिखाए कैसे हुआ है, दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे ही करना है। हम अपने कैमरामैन से बोल रहे हैं किसको जब दिखाएं कैसे उत्तर दक्षिण की दिशा करके उस पर रख दिया गया, हो गया। हम फिर कैमरामैन से कहेंगे महाराज जी की तरफ कैमरा करें। तो ये आपने रख लिया, उषा का आसन दिया और एक मोटक बना करके उस पर रख दिया, पवित्री रख दिया। रखने के बाद हाथ में तिल अक्षत और जल लेकर के, जल इतना रहना चाहिए कि एक आध बूंद हाथ से मिश्रित होता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे संकल्प में, और आप जल अक्षत और तिल लेकर के और संकल्प बोलेंगे मेरे साथ, ओम अद्वैतस्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीय पौरार्धे श्रीशेत 12 कल्पे
जम्बुद्वीपे, भरतखंडे भारतवर्षे, आर्या वर्तैक देशे कलियुगे, कलि प्रथम चरणे पुण्यक क्षेत्रे सिवान नामने नगरे। या आप जहां रहते हो उसका संयोजन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। विरोधी नामाब्द संपत सरे, अभी संबत 2075 चल रहा है, तो विरोधीकृत नामाब्द संवत्सर ये है इसी साल के लिए, अगले साल इसको उच्चरित नहीं करेंगे। तो विरोधी नामाब्द संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे, आप बोलेंगे मेरे साथ, आश्विन मासे कृष्णे दले जो दिन हो, जो पक्ष हो, कृष्ण दल यानी कृष्ण पक्ष अब जो दिन हो उसको अमुक बासरे, तो आप दिन के नाम का संयोजन कर लें, जो दिन है उसका नाम उच्चरित करें। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, आपका जो गोत्र हो बोलें। अमुक नामा हम, अपना नाम बोलें। देव ऋषि पितृ तर्पणम अहं करिष्ये, कर लिया आपने। अगर आपको सिर्फ पितृ तर्पण करना हो तो आप बोलेंगे पितृ तर्पणम अहं करिष्ये, सिर्फ पितरों का करना है, देव ऋषि का नहीं करना है, तो आप पितृ तर्पणम अहं करिष्ये ऐसा कहें। और हाथ में जो तिल अक्षत जल है उसको पात्र में डाल दें, जो स्थापित किए हैं उस पात्र में डाल दें। तत्पश्चात इस पात्र से 4-5 गिलास इसमें जल भर दें। आपने भर लिया जल और आप अभी पूर्वाभिमुख हैं, इस बात का ध्यान रहे कि आप अभी पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं, बैठे हैं। अब आप पहले देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए उनका आवाहन करेंगे, फिर तर्पण प्रारंभ करेंगे। आप समाहित मन से भगवान और पितरों का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करके और आप हाथ जोड़ करके पुष्प ले लें और चावल ले लें, हाथ में ले करके हाथ जोड़ करके ध्यान करें। मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। ब्रह्मादयः सुरासर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः। अब आप मेरे साथ उच्चरित करेंगे, जो श्लोक मैं बोलूंगा उसको मेरे साथ आप बोलें, दोहराएंगे। ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला जे तर्पणेत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। अब आपने आवाहन कर लिया, अब इसको अपने पात्र में कुश के ग्रंथि पर इसे अक्षत और फूल को छोड़ दे। अब आप हाथ में अक्षत लेकर भरे हुए जल में अपने से जल को हाथ से उठाएंगे
और हाथों में चार तीर्थ है, इसे पहले समझ लें। पहला तीर्थ ये ऊपर वाला, ये देव तीर्थ है जी। ये कनिष्ठा उंगली के पास से जो निकलता है यह ऋषि तीर्थ है, और अंगूठा के पास तर्जनी और अंगूठा के मध्य से जो दिया जाता है वह पितृ तीर्थ है, और ये स्वयं के लिए है, जैसे आचमन वगैरह हम करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो देवताओं के लिए अग्रभाग से जी। तो आप देखेंगे ये इस तरह की कुशा है आपके पास, छोटी सी, इसको कमर में आप ठोंसते हैं। इसके बाद बड़ी कुशा को आप लेते हैं, इसको हाथ में ऐसे रखेंगे जी। यह मध्यमा उंगली के पास रहेगा, और यहाँ चावल रख ले आप हाथ में, ले लें चावल उंगली पर ऐसे हाथ में जी। हाथ में चावल ले लेंगे जी। हाथ में चावल लेकर के और आप मेरे साथ अब तैयार हो जाएं तर्पण करने के लिए, और आप मेरे बताए हुए निर्देशों के हिसाब से आप एक एक अंजलि जल सबको देते जाएं, सारे देवताओं को। अब ऐसे उठाएंगे ऐसे जल को, ओम ब्रह्मास्त्रिप्यताम, ओम विष्णु स्त्रिप्यताम, कम से कम इतना हाथ जरूर उठाएंगे। जैसे किसी को जल पिलाना है तो सटा के नहीं देंगे इसी में से, इसी में उठा, तो थोड़ा सा इसको उठाएंगे। तो ब्रह्मास्त्रिप्यताम अब आप करें ऐसे ही, विष्णु स्त्रिप्यताम, रुद्र स्त्रिप्यताम, अब मैं बोल रहा हूं आप ऐसे ही करते जाएं, एक एक अंजलि देते जाएं। ओम प्रजापति स्त्रिप्यताम, ओम देवास्त्रिप्यताम, ओम छंदांश स्त्रिप्यताम, ओम वेदास्त्रिप्यताम, ओम ऋषिस्त्रिप्यताम, ओम पुराणाश्चार्यास्त्रिप्यताम, ओम गंधर्वास्त्रिप्यताम, ओम इत्राचार्यास्त्रिप्यताम, ओम संवत्सरस्त्रिप्यताम, ओम देव्यस्त्रिप्यताम, ओम अप्सरस्त्रिप्यताम, ओम देवानुगास्त्रिप्यताम, ओम नागास्त्रिप्यताम, ओम सागरास्त्रिप्यताम, ओम प्रभुतास्त्रिप्यताम, ओम सरितास्त्रिप्यताम, ओम मनुष्यास्त्रिप्यताम, ओम यक्षास्त्रिप्यताम, ओम रक्षास्त्रिप्यताम, ओम पिशाचास्त्रिप्यताम, ओम सुपर्णास्त्रिप्यताम, ओम भूतानिस्त्रिप्यताम, ओम पशवस्त्रिप्यताम, ओम वनस्पतिस्त्रिप्यताम, ओम मौखद्यस्त्रिप्यताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्त्रिप्यताम। यहाँ आपका देवताओं का तर्पण पूरा हुआ, अब आपको ऋषियों को तर्पण देना है। आप उत्तर की तरफ घूम जाएं, अपना मुख उत्तर की तरफ कर लें, या थोड़ा सा उत्तराभिमुख होकर के अब आपको जैसे सुविधा लगे वैसे कर लें, लेकिन उत्तर की तरफ घूम जाएं। अब अपने जनेऊ, आप अगर यज्ञोपवीति हैं तो जनेऊ को कंठी के समान कर लें, माला के समान, और आप उत्तराभिमुख घूम जाएं, और उत्तराभिमुख होकर के कनिष्ठा के मध्य से, अब इस पहले सामने था, अब आप ऐसे पूछा कर लें, आ अंगूठा से इसको दबा लें, अब उत्तर मुख करके और यहां से जल गिराएंगे, ये मुड़े हुए भाग की तरफ से, अग्रभाग से, उषा के अग्रभाग से देना है। तो आप अब इसको आप ऋषियों को तर्पण दे रहे हैं, यहां आप जौ लेंगे हाथ में, पहले चावल लिया, ऋषियों को आप जौ से देंगे, जौ से, जौ से, तो जौ आप हाथ में ले लें। पहले देवताओं को एक एक अंजलि आपने दिया, अब उसी तरह से यहाँ दो दो अंजलि आपको देना है, ऋषियों को दो अंजलि, दो अंजलि देना है। ओम, अब आप शुरू हो जाएं, तैयार हो जाएं। ओम मरीचि स्त्रिप्यताम, अब ऐसे आप ऐसे गिराएंगे इसी पात्र में, ओम मरीचि स्त्रिप्यताम, ओम मत्र स्त्रिप्यताम, ओम, अब दो बार मरीचि स्त्रिप्यताम, तो मरीचि स्त्रिप्यताम, ओम मत्र स्त्रिप्यताम, ओम मत्र स्त्रिप्यताम, ओम मंगिरा स्त्रिप्यताम,
ओम मंगिराज तृप्यंताम, ओम पुलस्तस तृप्यंताम, ओम पुलस्तस तृप्यंताम, ओम पुलस्तहस्तस तृप्यंताम, ओम पुलस्तहस्तस तृप्यंताम, ओम कर्तुस्तृप्यंताम, ओम कर्तुस्तृप्यंताम, ओम प्रचेतास्तृप्यंताम, ओम प्रचेतास्तृप्यंताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यंताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यंताम, ओम भृगुस्तृप्यंताम, ओम भृगुस्तृप्यंताम, ओम नारदस्तृप्यंताम, ओम नारदस्तृप्यंताम। और ऋषियों की एक श्रृंखला पूरी हुई, इसके बाद पुनः ऋषियों को देना है उसी प्रकार से। तो आप ध्यान करेंगे महर्षि कपिल का, हाथ में पुष्प ले लें और ध्यान करें। ले लिए आप पुष्प महर्षि कपिल का ध्यान। कपिलादेश ये सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः। आप जल में इस पुष्प को डाल दें। अब आप पुनः उसी प्रकार से दो दो अंजलि देंगे। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम मासुरिस्तृप्यताम, ओम मासुरिस्तृप्यताम, ओम बोध्युस्तृप्यताम, ओम बोध्युस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। अब ऋषियों की श्रृंखला आपकी पूरी हुई और ऋषियों को आपने तर्पण दिया। अब आप अपने दिव्य पितरों के लिए तर्पण करना है। अब आप दक्षिणाभिमुख हो जाएं, दक्षिण मुख कर लें, अपने पात्र को दक्षिण दिशा में रख लें। अब दक्षिण दिशा में आपने पात्र को रख लिया और दक्षिण दिशा में पात्र रख करके अब तिल से इनका तर्पण करेंगे। अब इस कुछ ग्रंथि को आप अंगूठा के मध्य कर लेंगे। अब अंगूठा अंगूठा से दबा करके और मुड़े हुए भाग को अब इस भाग में तर्जनी के पास आ जाना है। अब आप इससे अपने दिव्य पितरों को जल देंगे और दक्षिण की तरफ। अब देवताओं को आपने एक एक अंजलि दिया, ऋषियों को आपने दो दो अंजलि दिया, अब अपने पितरों को तीन तीन अंजलि देंगे। तो अब पितरों के पास हम आते हैं, तो पहले इनका ध्यान करेंगे दिव्य पितरों का। आप दक्षिणाभिमुख बैठ जाए, आप तैयार हो जाए तर्पण के लिए पितरों के लिए। अब पुष्प लेकर, सफेद पुष्प लेकर हाथ जोड़ लें। ओम उसंत स्वानिधि मई उसंत समिधि मही उसनुसत आवह पितरीन हविखे अत्तवे। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, ओम आयांतु नह पितरह सौम्यासो अग्निस्पाता पथिभिर देवयानै अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदंतो धी ब्रुवंतु तेनवस्त्वस्मान। अब आप पुष्प को इसमें जल में चढ़ा दें और अब आप दिव्य पितरों के लिए तिल ले लें हाथ में। हाथ में लेकर के मोटा कैसा रख लें, अंगूठा के पास अंगूठा से दबा लें और आप दक्षिण दिशा में जल गिराएंगे। अब दक्षिण दिशा में इस जल को गिराएंगे तो आप जैसे पहले गिराते रहे, एक बार दो बार और तीन बार, अब हाथ में अब अंगूठा के मध्य से जल गिराएंगे। तो अंगूठा के मध्य से दक्षिण दिशा में आप गिराएंगे। अब आप तैयार हो जाएं। ओम कव्यवाटस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब पुनः ओम अनलस्तृप्यताम, फिर उसी प्रकार से आप दें। अनलस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा
तस्मै स्वधा ओम यमस्ति पिदाम इदं तीरोदकम तस्मै स्वधा ओम आर्य मातृस्ति पिदाम इदं तीरोदकम तस्मै स्वधा ओम अग्निस्वातास्ति पिदाम इदं तीरोदकम तस्मै स्वधा ओम सोमस्त्रिपदाम इदं तीरोदकम तेभ्यः सुधा ओम वरिष्ठस्त्रिपदाम इदं तीरोदकम तेभ्यः सुधा। अब यहाँ आदि पुत्रों को आपने दिया, अब 14 यमों को 3-3 अंजलि आपको जल देना है, तिल से देना है, आप तिल हाथ में ले लें और 14 यमों को भी आप जब दक्षिण की तरफ जैसे बैठे हैं, अब सब से आपका जनेऊ जो है वह दाहिने कंधे पर रहेगा, पितर के जहां से पितर का तर्पण आप शुरू किए वहां से जनेऊ आपका बाएं कंधे पर रहेगा। जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं, वो अंग माने गमछा तौली रुमाल वो दाहिने कंधे पर रख लेंगे और इसके बाद ये आप जम को तिल के द्वारा आप जल दे, वैसे जलांजलि तिल ऐसे ही उसी तरह अंगूठे के बीच में रख करके और जल को दाहिने गिराएंगे दक्षिण की तरफ, अंगूठा के और तर्जनी के मध्य से आगे की तरफ दक्षिण की तरफ आप गिराएंगे। अब आप तैयार हो जाए जल देने के लिए, मैं मंत्र बोल रहा हूं आप उसके साथ जल दें। यमाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृतवे नमः अंतकाय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम दघ्नाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः। आपने 14 यमों को 3-3 अंजलि तिल से जल दिया। अब आप नीचे अपने कुलगोत्र, अपने पिता पितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही अब आदि को जल देंगे, द्वितीय गोत्र को जल देंगे, नाना को, नानी को, तो मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही को आप जल देंगे। इसके बाद अपने कुलगोत्र के और भी जो हैं उन्हें भी आप जल प्रदान करेंगे, तो आप इसके लिए तैयार हो जाए और उसी प्रकार से दक्षिणाभिमुख होकर के और अपशब्द से इसे आप तर्पण करेंगे और कुसा उसी अवस्था में रहेगा। ओम ताम्बर उत्परासो उन्मद्वा सोम्यास पितर सोम्यास असुरभ्रकारिते नो वंतु पितरो हवेकुहु। अब आप तिल अक्षत ले लें हाथ में, अक्षत नहीं तिल ले लें और तिल लेकर और कुसा वैसे ही रख करके और दक्षिणा विमुख तो आप ही हैं बैठे हुए हैं और आप 3-3 अंजलि जल देंगे। तो पहले आप पिता से शुरू करेंगे, जिनके पिता नहीं है वह अपने पिता को जलांजलि दे, जिनके पिता हैं वह
नहीं देंगे। आप मेरे साथ बोलिए, ओम अमुक गोत्रो, आपका जो गोत्र है उसे बोल ले। अस्मत पिता, अब पिता का नाम रख लें। अगर आप ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, तो आप शर्मा बोलें। अगर आप क्षत्रिय हैं तो वर्मा बोलें। अगर आप वैश्य हैं तो वर्मा बोलें। इस प्रकार से आप संयोजन कर लें पिता के नाम में, अमुक शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक गुप्तो हम, अमुक गुप्तो, गुप्तो हम नहीं, अमुक गुप्तो वसु रूपस। अस्मत पिता, इसको पुनः सुन ले, बताने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। ओम अमुक गोत्रो, अपना गोत्र उच्चरित कर ले। गोत्र उच्चरित कर लिए और पिता का नाम अस्मत पिता अमुक शर्मा वर्मा गुप्त वसु रूपस तिब्बताम इदम तिलोदकम, उदक कहते हैं जल को, इदम तिलोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। अब ठीक किसी प्रकार से पुनः तिल लें और पितामह को जल दें, दादाजी को अपने। ओम अद्य अमुक गोत्रो अस्मद पितामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस सपत्नीकस तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। फिर दादी के लिए, क्योंकि मैंने हम इसमें संयोजन कर दिया सपत्नी का स्त्रीकृता, तो दादी के लिए तस्य सुधा, तस्य सुधा, तस्य सुधा, तीन बार दादी के लिए। इसमें से जल निकाल करके और इसी में गिराना है, हो गया। अब आप पितामह के बाद प्रपितामह पर चले, अगर नाम जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो अमुक शर्मा वर्मा गुप्त जो कहेंगे वैसा कर लेंगे। हाथ में तिल ले ले। ओम मध्य अमुक गोत्रो, अपना गोत्र रख ले। अमुक शर्मा नाम रख ले, नहीं जानते हैं तो अमुक शर्मा वर्मा जो बोलना है बोल ले। अमुक शर्मा आदित्य स्वरूपस सपत्नीकस तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। अब प्रदादी के लिए तस्यै सुधा, तस्यै सुधा, तस्यै सुधा। यहां आपके कुलगोत्र के लोग हो गए, अगर चाचा नहीं है तो आप उन्हें भी जल दें। बड़े पिताजी नहीं है तो उन्हें भी दे सकते हैं। बड़े पिताजी नहीं है, परिवार में और कोई नहीं है तो आप उसको वहां समायोजित कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। ओम मध्य अस्मद अमुक गोत्रो अस्मद पितृव्य अमुक शर्मा वसु रूपस सपत्नीकस तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। चाची के लिए तस्य सुधा, तस्य सुधा, तस्य सुधा। जिनके हैं वो नहीं करेंगे। अगर भाई नहीं है या सौतेला भाई है उसके लिए ओम मध्य अमुक गोत्रो अस्मत भ्राता, अगर सौतेला भाई है तो सापत्न भ्राता अमुक शर्मा
वसु रूपस दिव्यताम, अगर विवाह हुआ है वो भी नहीं है तो सपत्नी कस दिव्यताम ऐसा बोल देंगे। सपत्नी कस दिव्यताम इदम सतिलम जलम तस्मयी सुधा तस्मयी सुधा तस्मयी सुधा, अगर पत्नी नहीं है तो तस्य ही सुधा तस्य ही सुधा तस्य ही सुधा। अब मामा ननिहाल में, नाना नानी ये सब है द्वितीय गोत्र में, तो आप द्वितीय गोत्र में चले। अमुक गोत्रो अस्मद मातामह अमुक शर्मा वसु रूपस सपत्नी कस त्रिप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। आप पुनः तिल ले लें। अब मातामह के बाद प्रमातामह के पास चले, उनके पिताजी को जल दे। ननिहाल के भी तीन पीढ़ी को, हाँ तीन पीढ़ी को देना है। ओम अद्य अमुक गोत्रो अस्मद प्रमातामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस सपत्नीकस त्रिप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्य तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। अब आप वृद्ध मातामह के लिए, बूढ़े नाना के लिए आप जल देंगे, वृद्ध प्रमातामह के लिए आप तिल ले ले, उसके अग्रभाग से उन्हें भी जल दें तीन अंजलि, और बूढ़ी परनानी को भी तीन अंजलि दें। ओम मध्य अमुक गोत्रो अस्मद अमुक शर्मा अस्मद वृद्ध प्रमातामह आदित्य स्वरूपस त्रिप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब बूढ़ी पर दादी के लिए तिल लेके और तीन अंजलि दे दे, तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। ये आपका दूसरा कुलगोत्र हुआ। और शायद एक चीज मेरी विस्मृति से हो गया, जहां पिताजी को जल देने की मैं बात कही और उसके बाद सपत्नी कस लगा दिया, तो उस कुलगोत्र से निकलने के बाद मेरे स्मरण से जब अपने कुलगोत्र का आप दे रहे हो तो माता का, अगर माता जी नहीं है तो अपने कुलगोत्र में इसका संयोजन कर लेंगे। ओम मध्य अमुक गोत्राया अस्मन माता गायत्री स्वरूप अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा त्रिप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। इसके अलावे अब आप आते हैं तो उनको हाथ जोड़ करके थोड़ा सा प्रार्थना उन लोगों का कर लेंगे। ओम पितृभ्यः सुधायिभ्यो सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधा सुधायिभ्यः सुधा नमः प्रपितामहेभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः अक्षन्न पितरो निमदन्त पितरो त्रिप्यन्त पितरः पितरः सुनद्धम्। अब आप ऐसा करें कि द्वितीय कुलगोत्र का अब आपको स्मरण में आप ले लें कि आपके कुलगोत्र में कोई छूट तो नहीं रहा है, आप इसी योजना से उन्हें भी तीन अंजलि जल दे देंगे, जल प्रदान करेंगे। अब हाथ जोड़ करके अगर सबको आप दे दिए तो आप हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद मांगे अपने कुलगोत्र के अभ्युत्थान के लिए और प्रार्थना करें। नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितर सोसाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरो सुधाये नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितर पितरो नमो वो ग्रहण पितरो दत्त सतो वह पितर पितरो जय स्मत
तद्वह पितरो वासया धत्त। आप इसके बाद अपने इष्ट मित्र को भी चाहे तो जल दे सकते हैं, और जब जो इनका कोई नहीं है उनको भी दे सकते हैं। अगर आप के हृदय में है उनको जल मिलना चाहिए। इसके बाद मातृ भगिनी, माता की बहन, पितृ भगिन्या, पिता पिता की बहन, तो आप फुआ को भी और अमुक गोत्रो और मध्य अमुक गोत्रो तिल लेकर के उसी तरह दक्षिणाभिमुख होकर के आप उनको जल दें। ओम अद्य अमुक गोत्रो अस्मद पितृ भगिन्या अमुकी देवी अमुक गोत्राय अमुकी देवी, नाम जानती हूं तो नाम ले ले, गायत्री स्वरूपास तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा, स्मृति सहितास तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा तस्यै सदा तस्यै सदा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अब आप इसी तरह मौसी के लिए ओम अद्य अमुक गोत्रो अस्मद मातृ भगिनी अमुकी देवी गायत्री स्वरूपास तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा सतिलम जलम पति सहित तृप्यंताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। इससे भी तीन तीन अंजलि आप प्रदान करें मौसा मौसी सबको, और मौसा है तो उनका नाम गौण कर दे, तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, ऐसा करके तीन बार जल दे के उसको विराम दे। ऐसे ही सब में आप अपने व्यवस्था के अनुसार उनको जल देंगे और वर्गीकरण कर लेंगे। अब इसके बाद अब ऐसे लोग होते हैं जिनके कुल गोत्र में कोई नहीं होते जी। ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने यहां जन्म लिए और विवाह के पहले वो दिवंगत हो गए, और उनको कोई जब विवाह ही नहीं हुआ था तो उनका तो कोई नहीं संतान ही नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हुए कि संतानहीन हो गए, कुछ की अकाल मृत्यु हो गई उसका नाम निशान मिट गया, ऐसे लोगों के लिए और भी देवता असुर सबके लिए, गंधर्व राक्षस सबके लिए एक व्यवस्था दी गई है। तो आप पहले पूरब की तरफ हो जाए और उस पात्र को पूरब की तरफ रख ले, और पूरब की तरफ रख करके एक गिलास में पूरा जल भर ले, और जल भर के और आप अब सभ्य से अपने दक्षिण कंधे से दाहिने कंधे से जनेऊ बाएं कंधे पर कर ले, शरीर पर थोड़ा जल छीट ले। इसके बाद जल छीटने के बाद अब आप अगर अंगोछा है तो उसे आप बाएं कंधे पर कर ले, बाएं कंधे पर करने के बाद एक गिलास बाएं हाथ में रख ले और इसको कुशा को इस प्रकार से ले ले, और इससे थोड़ा थोड़ा जल लगातार गिराते रहे, और मैं मंत्र बोलूंगा और आप धार गिराते रहेंगे। तो आप इसके लिए तैयार हो जाए, हाथ इसमें थोड़ा सा तिल डाल दें, और तिल डाल करके अब आप तैयार हो जाएं। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप इसके सहारे इस कार्य को भी पूरा करें। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागायक नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहे का सिद्धा कुष्मांडा स्तरवा खगा जले चरा भूनिलेया वायव्या धारास्य जंतव तृप्त नेते प्रयान्त्यासु महत्तेनाम पुनाखिला नरकेशु समस्तेषु यातनासु चेष्टा तेषां माप्यानायेतत् दीयते सैलम्बया जे बांधवा बांधवा वा जे जन्मनि बांधवा
ते सर्वे तृप्त मायांतु महत्ते नाम मुनाचिला ते सर्वे तृप्त मायांतु यश्चास्मत्तो विवांछते ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषां हिदत्त मक्षय निदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्ब पर्यंतम् देवर्षि पितृ मानवा कृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुल कोटीनाम् सप्तदीप निवासिनाम् आब्रह्मन् भुवनान् लोकान् मिदमस्तु तिलोदकम्। आप अब अपने जलपात्र को यथास्थान रख दें और ये अब आप ये पूरा हुआ, अब आप थोड़ा सा एक गमछा ले लें और इसको चार तह मोड़ लें। चार तह मोड़ने के बाद आप इसको जल में डुबो दें और जल में डुबो करके और बाएं तरफ अपने इसको थोड़ा सा दबा करके और निचोड़े। निचोड़ने के बाद आप मेरे कहे अनुसार इसको निचोड़ेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये चास्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते पीवंतु मया दत्तम वस्त्रम निष्पीरणोदकम। ऐसा करेंगे, बस को आप निचोड़ देंगे, ये आपका पूरा हुआ। फिर आप सूर्यार्घ दें और इस जल में शुद्ध, इस पात्र में शुद्ध जल ले लें थोड़ा सा। आज जल लेकर के सूर्य की तरफ देख करके और आप ऐसे गिराएंगे, मैं बोल रहा हूं, आप ले ले जल। हाँ थोड़ा जल्दी करें। अब आप जल लेकर के सूर्य भगवान को जल दें। ओम नमो विश्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सुचे नमस्ते कर्मदायिने हे सुसहस्रांशो तेजो राश जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। अब सूर्य को प्रणाम करें और पात्र को उलट करके रख दें और सात बार हाथ से ही परिक्रमा कर ले। ओम जानिकानि च पापानि जन्मानि तर्पितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। यह आपका काम पूरा हुआ और इसमें थोड़ा सा एक बार और जल ले लें, एक अंजलि, और भीष्म पितामह को दे देंगे तो हाथ में अब पूर्वाभिमुख ही सिर्फ जल गिरा दे। वैयाघ्र पद गोत्राय साकृत प्रवराय च वैयाघ्र पद गोत्राय साकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य तद जलम भीष्माय ब्रह्मणे। एक चिल्लू भीष्म पितामह के लिए हुआ और जल में देख करके आप प्रणाम करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः। अब सबको प्रणाम कर ले और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेके और आप इसको विराम दे। बोले अनेन देवर्षि पितृ तर्पणेन विधिना श्री भगवान वासुदेव प्रियंताम नमः। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। हरिओम तत्सद। इसके साथ आपके तर्पण का कार्य पूरा हुआ और नारद निदिया को साधुवाद धन्यवाद। इतना बड़ा कार्य इन्होंने पूरा किया आपका और आप इन्हें साधुवाद दें और सबका आशीर्वाद आपके साथ रहे, पितरों का आशीर्वाद रहे, आपकी उन्नति हो। धन्यवाद। आचार्य जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना अपना व्यस्तम समय निकाल करके हमें नारद मीडिया को अपने दर्शकों के लिए दिया। इसके लिए आपको साधुवाद।